हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कि अस्तर वाले सूट को कैसे चिपकाते हैं, कच्चा कैसे करते हैं और उसके बाद ही सिलता है, क्योंकि सबसे पहले उसको कच्चा करना होता है, उसके बाद ही सिलता है। तो बस मैं आप लोगों को वही दिखाऊंगी आज कि मैं कच्चा कैसे करती हूँ। और वीडियो पर जो भी न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुँचे। तो बस यहाँ पर मेरा जॉर्जेट है, ये ऊपर का जो कढ़ाई का होता है ना अस्तर, अंदर साटन का है, मतलब बिल्कुल शाइनिंग वाला है, बहुत अच्छा। तो बस मैं उसी को ही चिपका कर दिखाऊंगी आप लोगों कि मैं इसे कैसे चिपकाती हूँ। तो ये मेरा कटा हुआ रखा था अभी। तो सबसे पहले मैं आगे के दोनों पल्लू निकाल लूँगी, एक अस्तर वाला और एक ऊपर से कढ़ाई वाला। तो सबसे पहले मैं अंदर का अस्तर वाला रखूँगी, उसके ऊपर से जॉर्जेट का फैब्रिक रखूँगी जो मेरा कढ़ाई वाला था। तो बस इसको रख के अच्छे से चिपका के, मतलब रखा ही है अभी मैंने, और इसको चारों तरफ से जो भी कपड़ा होगा ना एक्स्ट्रा, उसको मैं सारा कट कर दूंगी, फिर उसके ऊपर सुई के धागे से सुई से कच्चा करूंगी। तो इसी तरीके से मैं अस्तर वाले सूट को कच्चा करके ही सिलती हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी इधर उधर हो जाता है। अस्तर वाला कपड़ा बहुत नाजुक होता है, बहुत मुलायम होता है, और इधर उधर चला जाता है तो समझो पूरा सूट ही ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इसको आराम से ज़मीन पर रख कर चिपकाया जाता है। तो मैं इसी तरीके से चिपकाती हूँ, पहले उसकी कटिंग कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं अस्तर वाला नीचे रख कर ऊपर से फैब्रिक रख कर अपना कढ़ाई वाला, फिर उसको सुई से कच्चा कर लेती हूँ, जिससे बहुत ही अच्छे से सफाई से ईजीली हो जाता है। तो देखिए मैं कैसे चिपका रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ हमारा आगे का पल्लड़ हो गया है। अब मैंने ये लिया है पीछे का, तो पीछे के में भी यही करना होता है। पहले अस्तर को रखना होता है, फिर इसके ऊपर से जॉर्जेट वाला फैब्रिक रखना होता है, और फिर जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको कट कर देना होता है, फिर सुई से कच्चा कर देना होता है। तो बस मैं इसी तरीके से जिस तरह मैंने आगे वाला पल्लड़ किया था कच्चा, उसी तरह मैं पीछे का कर लूँगी, जिससे बहुत ही आसानी से बहुत अच्छे से सिल जाएगा। अगर अपन नहीं चिपकाते हैं तो सूट बिगड़ ही जाता है, इधर उधर चला जाता है अस्तर। अगर इस तरीके से चिपका लेते हैं तो बहुत अच्छे से आसानी से सूट सिल जाता है। तो अस्तर का पीछे का गला पहले से ही काट लेंगे, जिससे इसको उसी तरीके से चिपका देंगे आसानी से। तो ये देखो गले पे मैं यहाँ पे भी सिलाई फिर दूँगी, कच्चा कर दूँगी इस पर भी।